हेलो एवरीवन, आज देखो मेरे घर आई है उषा जैनोमे की स्विंग मशीन, जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। अभी मेरे घर आई हैं, इसको डेमो के लिए भैया आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? देशबंधु राघव। आपका क्या नाम है? अब ये मुझे बताएंगे कि क्या मशीन के कैसे कैसे चलेगी मशीन, उसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो सब देखिए। अब आप, मैं आपको दिखाती हूँ, बताओ भैया। सबसे पहले इसमें धागा जो है आपका यहाँ पे डलेगा, इसके अंदर। हाँ, हम बॉबिन भरने के लिए इसको यहाँ लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद में जो धागे को एक बार यहाँ से लेंगे, ठीक है, इसके अंदर से, फिर अच्छा। यहाँ पीछे से लेके ऐसे 2 से 3-4 बार राउंड घुमाएंगे इसके ऊपर, ठीक। अब इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये व्हील होता है इसका, इस व्हील को अगर हम पकड़ के बाहर निकाल लेंगे तो सिर्फ ये चलेगा, अगर ये अंदर रहता है तो ये भी चलेगा, साथ में मशीन भी चलेगी। हाँ, जब बाहर निकाल देंगे तो हमारी सुई चलना बंद हो जाएगी। हाँ, सिर्फ ये बोबिन जो है आपका फिल करेगी। हम इसको एक्सीलेटर से प्रेस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जिसका ये एक्सीलेटर है, इससे इसको पंजे से दबाएंगे ऐसे तो ये चलने लग जाएगा। हल्का सा रील के ऊपर हाथ रखना है, दबाना ही नहीं है उसको, ताकि निकले ना वो। और जब ये भर जाएगी तो अपने आप बंद हो जाती है। ऑटोमेटिक, जब 80% भर जाती है तो बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। अभी फिलहाल हम इसको कमी फिल करते हैं, फिर से पीछे करेंगे इसको और व्हील को जो है अंदर कर देंगे। अगर व्हील को अंदर नहीं करेंगे तो हमारी सुई नहीं चलेगी, तो इसलिए व्हील को अंदर करना बहुत जरूरी है। इस तरह से तो हम इसका धागा भर लेंगे, फिर आगे बताते हैं। इस मशीन में सबसे अच्छी बात ये है, जैसे हम हाथ वाली मशीन यूज करते हैं तो उसमें हमें पेचकस से इसको खोलना पड़ता है, तब इसकी साफ सफाई होती है। लेकिन इसमें जो है आपका अनलॉक सिस्टम है, यहाँ से इसको अनलॉक किया और इसको हम बीच से सेंटर से यहाँ से पकड़ेंगे, इजीली अच्छा, ये निकल जाएगा। हाँ, दोनों पार्ट इसके जो हैं अलग हो जाते हैं। इसमें जैसे कभी धागा फंस जाए या बाई चांस इसकी साफ सफाई करनी हो तो उसके लिए ये इजी है। तो सुई का ये क्या किया आपने, गोल जो मैंने इसको जो है इसका आकार दिया इसको सी टाइप का, अच्छा, ताकि ये हम जो लगाएंगे इसके अपोजिट लगेगा ये। अच्छा अच्छा, ये जो सर्कल है ये इसके अपोजिट लगेगा यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ से निकाल के इसको सफाई भी कर सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सफाई करने के लिए है, तो यहाँ लगा के इसको ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये जो पिन है ये अंदर की तरफ जाएगी, ये लॉक वाले सिस्टम बाहर आएंगे ऐसे। हाँ, इसमें कोई पेंच का चक्कर नहीं है, है ना, सिर्फ लॉकिंग सिस्टम, बस ये लॉक, ये काले वाले जो ये हैं। हाँ हाँ, ये लगा दिए और लॉक हो गया बिल्कुल। अब जो आप बोबिन में ये फिरकी डालते हैं वही सिस्टम है बोबिन के। हाँ, जैसे आम मशीनों में होता है ये वही। हाँ, सिस्टम, लेकिन है इसके जो शटल का जो साइज होता है कट, ये थोड़ा बड़ा होता है। अच्छा, जो नॉर्मल मशीन में होता हाँ, है वो हाँ, कम होता है, इसमें बड़ा होता है क्योंकि ये जिगजैग सिलाई करती है। हाँ, हाँ, इसमें इलास्टिक भी डल सकती है क्या? हाँ, इलास्टिक डलती है, लेकिन जो बिल्कुल बारीक आती है वो वाली। हाँ, बिल्कुल बारीक इलास्टिक भी डल सकती है। और इसको तो जैसे आम मशीन में लगाते हैं बस वैसे ही फिट करना है, आवाज आएगी उसकी टक की। और इसको हमने क्लोज कर दिया। इसके बाद इसको जो है ये टूल बॉक्स है इसका, इसके अंदर जो है हम एसेसरीज भी रख सकते हाँ, हैं। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अभी धागा लगाने के लिए फर्स्ट यहाँ इसमें डायरेक्शन दी हुई है, फर्स्ट एक नंबर पे एरो दे रखा है ये वाला। ये देखो, ये एरो दिया हुआ, उसके हिसाब से ही हमें धागा डालना है। तो नीचे आएंगे, नीचे से यहाँ से इसमें 2 नंबर पे यू टर्न दे रखा है, यहाँ यू टर्न किया, आने के बाद में थोड़ा सा हम व्हील को ऊपर अपनी तरफ घुमाएंगे। ये वाला ये व्हील है, इसको हम ऐसे अपनी तरफ घुमाएंगे ताकि ये जो स्पूल पिन है ये ऊपर आ जाए। हाँ, ये ऊपर आना जरूरी है, इसमें धागे को लेके आना है। बिल्कुल ठीक, ये से राउंड घुमा के लेके आएंगे। तो और ये भी होता है ना इसमें कि सीधी तरफ से ही धागा जाना होता है ये। हाँ, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, उल्टी तरफ से आप धागा डाल दोगे तो धागा फंसेगा। नीचे आने के बाद में जैसे ये 4 नंबर पे भी दे रखा है यहाँ पे, ये 4 नंबर दे रखा है कि ऊपर से सीधे नीचे आ जाइएगा आप। फिर इसके बाद में ये
पिन दे रखी है, पिन के अंदर डालेंगे ऐसे। ये लिफ्टर है फुट ऊपर नीचे करने के लिए। जब भी हम निडिल में धागा डालेंगे तो निडिल को हम यहाँ से टॉप में कर लेंगे। कहाँ से डाला? अभी डाला नहीं है, इसको हमने टॉप में किया है। अच्छा। और जस्ट इसमें जैसे हाथ वाली मशीन में साइड से धागा डलता है, इसमें सामने से डालना। सामने, हाँ। पीछे की तरफ धागा, पीछे की तरफ धागा निकलेगा और हम इसको पीछे से पकड़ के ऐसे निकाल लेंगे। और चलाते हुए भी पीछे ही रखना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसे घुमा के व्हील को, जैसे हम हाथ वाली मशीन में घुमाते हैं, सेम तरीके से नीचे वाले धागे को ऊपर निकाल लेंगे व्हील को घुमा के। बिल्कुल। अब यहाँ से इसको उठाया और ये धागे दोनों जो हैं पीछे की तरफ कर दें। मुझे इस वाले का बताओ, मुझे इसका नहीं पता चला कि ये किस काम आता है। ये थ्रेड टेंशन है, जैसे कि नीचे की सिलाई कभी बाय चांस से लूज आ रही हो तो हम इसको अगर ऊपर की तरफ टाइट करेंगे तो जो नीचे की सिलाई है वो एकदम इक्वल हो जाएगी। टाइट कैसे होगा? जैसे धागे होते हैं कई बार दानेदार रहते हैं तो उसके वो ठीक करने के लिए हाथ वाली मशीन में आगे एक फिरकी होती है, वही सिस्टम है सेम ही। टेंशन है ये हाथ वाली में क्या होती है, आगे एक फिरकी आती है जहाँ से धागा जाता है यू। अच्छा। घुमाने के लिए, लूज टाइट करने के लिए धागे को। अच्छा। वही है ये फिरकी। अच्छा। ठीक है। तो जैसे नीचे का धागा लूज आ रहा है, सिलाई थोड़ी सी लूज आ रही है तो उसको अगर टाइट करना है तो ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे इसको। अच्छा। अगर कपड़े में सिकुड़न बढ़ाने के लिए मतलब 6 से 7 7, अच्छा वो नंबर आएगी। हाँ। फिर अच्छा। और अगर ये इसमें सिकुड़न हो रही है ऐसे तो इसको थोड़ा लूज करेंगे फिर। अच्छा। ठीक है। ठीक। ये वैसे चलेगी 4 पे ही। अच्छा, ये 4 पे चला। हाँ। अच्छा। में आता है सिलेक्टर, इससे हम जो भी यहाँ पे डिजाइन दे रखे है ए से लेके और जी तक, ये कोई भी डिजाइन हम इसमें चूज कर सकते हैं यहाँ सिलेक्टर से। ये जो डिजाइन है इनकी हम लेंथ को छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ लेंथ का एक सिलेक्टर दिया हुआ है डायलर, ये लेंथ के लिए। हाँ। तो जैसे हमें मान लो नॉर्मल ही सिलाई चाहिए तो ए पे हमने यहाँ पे नॉर्मल सिलाई दे रखी है तो इसको ए पे किया। ये लेंथ हम जितना अपने मन चाहे बड़ा टांका करना है, जैसे छोटा मतलब करना है उस हिसाब से होगी। ठीक है। तो हमने इसको ऐसे चलाया एक आम सिलाई, आम सिलाई करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? ये वाला, ए वाला। हाँ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है ना सीधी सिलाई के लिए। और इसमें कौन सा होगा? इसमें तो आप टांका छोटा बड़ा मतलब नॉर्मल टांके के टू पे, नॉर्मल टांके के लिए 2 पे रखना है। अगर टांका बड़ा करना है तो 3 और 4, या जैसे मोटा कपड़ा सिलना होता है फोम लगानी है या मोटा जीन्स वीन्स सिलनी है उसमें 2.5। अच्छा, उसके लिए 2.5 जी। ठीक। 2 पे किया, ये हम स्टार्ट जैसे इसमें रिवर्स करते हैं, इसमें रिवर्स सिलाई भी होती है यहाँ से। हाँ। इसको प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स सिलाई करेंगे, जैसे लोग ये हमने यहाँ से दबा दिया तो ये रिवर्स सिलाई सिलाई। जैसे किनारे पे हमें रिवर्स करनी होती है, लॉक लगाना होता है, लॉक लगाना होता है तो उसके लिए यही वाला। हाँ। है, इसको बस दबाना है हमें, ये जो है करनी है, रिक्रैक सिलाई करनी है। ठीक है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ से डायलर को घुमाएंगे, जैसे जिगजैग सिलाई करनी है, जिगजैग सिलाई हमारी यहाँ पे सी पे है। ठीक है, तो उसको सी पे कर। हाँ, तो सी पे करके चलाएंगे। ये जो है हमारी जिगजैग सिलाई हो रही है। रुको, फिर हमारा सी है, इसमें साटन स्टिच भी होती है। अगर हम जिगजैग को जो है यहाँ से 0.5 के बीच में रखेंगे तो हमारी सबसे पहले साटन स्टिच होगी। ये देखिए, जैसे कोई भी डिजाइन बनाना है जिगजैग में, साटन स्टिच किससे हुई दोबारा बताना? इसको सी पे करके। अच्छा, सी पे करके। और 0.5 पे रखना है इसको। अच्छा, ये जो डिजाइन दिया हुआ ये इसीलिए, ये जिगजैग की विड्थ कम करने के लिए। अच्छा। जैसे इसको यहाँ बीच में रखेंगे तो जिगजैग की जो है विड्थ कम होगी। ये देखिए। ठीक है। अब जिगजैग का अगर साइज बढ़ाना है आपको तो यहाँ से सीपे करके यहाँ 2 करेंगे
तो इसका साइज बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगी जिग जैग की। ऐसे ही हम इसमें कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं, जैसे हमने ये ई वाला डिजाइन लिया, ठीक है। हाँ, जो ये निशान यहाँ पे लगे हुए ना ए बी सी डी, उसी को इस पे लाना होता है। ये जो पॉइंट तो आपका यही वाला डिजाइन बन जाएगा जो ये इसमें दिए हुए हैं। ये देखिए, ये कौन सा है? रिक्स। ये अच्छा, ई वाला डिजाइन है। ई वाला हार्ट बीट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ई वाला डिजाइन बनाया है तो हमें इस, हमने देखो इस पे ई कर लिया था। अगर हम कपड़े को यूं राउंड भी घुमाना चाहें तो ये राउंड में भी घूम जाता है। कोई गले वगैरह का डिजाइन बनाना हो तो उसके लिए ये देखो कितना बढ़िया है, गोलाई में भी ऐसे पूरा घूम गया। ये ऐसे गोलाई भी दे सकते हैं किसी भी कपड़े में। ऊपर है ए से लेके जी तक, इसमें नीचे भी डिजाइन है ए से लेके और जी तक। तो नीचे वाले डिजाइन चलाने के लिए हमें यहाँ पे, इसको सेकंड स्टिच बोलते हैं, यहाँ इसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है एसएस। तो जब एसएस पे लेके आएंगे इसको तो सारे नीचे वाले डिजाइन चलेंगे। ये भी याद रख सकते हो, नीचे वाले में जो है रेड लगा हुआ है तो इसमें भी ये रेड है, ये हिसाब भी हो सकता है। तो इसमें जो है आपकी जो सिलाई होती है, सबसे पहले नॉर्मल सिलाई स्ट्रेट स्टिच, इसमें ट्रिपल धागे में होगी, धागा एक ही रहेगा ऊपर, लेकिन सिलाई जो होगी इसमें ट्रिपल सिलाई होगी, जो हम जिसे पक्की सिलाई भी बोलते हैं। ये देखिए ट्रिपल सिलाई हो रही है, ऐसे ही हम कोई भी डिजाइन चलाएंगे। सीपे किया, रिक्रैक ट्रिपल धागे में आएगा जो जिगजैग हमारा। नीचे वाला कोई भी डिजाइन बनाना है ये रेड वाला, तो ये एसएस पे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चलते हैं पीको पे। तरफ यहाँ पे ये पिन दी हुई है, ठीक है। इस पिन को ऊपर की तरफ दबाएंगे तो हमारा ये फुट जो है निकल जाएगा। निकल गया, ठीक है ठीक है। ये हमारा पीको का फुट आता है, ये आगे से ऐसे राउंड है तो कपड़े को ये राउंड करके ही पीको करता है। अच्छा अच्छा ठीक है। इसको लगाने का तरीका है, ये पिन है इसमें, यहाँ से इस पिन के नीचे लेके आएंगे और यहाँ ये जो है ये जो इस लिफ्टर उठाने के लिए इसको डाउन कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाएगा और अपने आप लेके उठ जाएगा। हाँ, ये है ना, अपने आप उठ जाता है, ये अपने आप फिक्स हो जाएगा ये फुट इसमें। अभी जैसे हम पिको करते हैं तो उसके लिए कपड़े को यहाँ ऐसे सीधा रखते हैं और हम इसको सीपे ही चलाएंगे जिग जैग पे। ठीक है, लेंथ हमारी जो रहेगी वो टू पे रहेगी। इसको निडल को एक बार नीचे चलाया, इसमें कपड़े यहां को यहाँ से घुमा के व्हील को हमने नीडल को नीचे कर लेना होता है। ठीक है, फिर कपड़े को जो है इसमें थोड़ा सा हल्का सा इसमें टच करना है, इसको फंसा के। हाँ, इसको कपड़े को बीच में लाना जरूरी है, बीच में ऐसे ना फुट के बीच में ला के ऊपर खड़ा कर लेना। हाँ, ऐसे क्योंकि उसी पे पीको चलेगी। ये हमें ऐसे थोड़ा घुमा के रखना है कपड़े को यूँ, ताकि जो है ना वो फुट अपने आप जो है इसको फोल्ड करता रहे और हम टाके की जो लंबाई है यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ। अच्छा, से अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नंबर चेंज करके हम बढ़ा इसका गैप बढ़ा सकते हैं। ये हमारा जो है पीको हो गया, पीको हो गया। अच्छा, पीको मोटे कपड़े पे भी हो जाता है? कितने मोटे पे? ज्यादा मोटे पे तो नहीं होगा। अच्छा, ज्यादा मोटे पे नहीं होगा, लेकिन सिंगल होता है कपड़ा इसलिए हो जाता है, जैसे जींस का कपड़ा हो उस पे भी हो जाएगा। ठीक, उससे ज्यादा मोटा फैब्रिक होगा तो उस पे बड़े का यूज करना पड़ेगा। ठीक,
तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। हमारा एक ये फुट आता है, ये चेन के लिए आता है, जिपर के लिए, ठीक है, चेन लगाते हैं उसके लिए आता है। लगाने का वही तरीका है, लगाने का सबका सेम है। तो ये जो है हमारा नॉर्मल सिलाई पे लगेगा, क्योंकि जो जिप लगाते हैं हम नॉर्मल सिलाई से ही यूज करते हैं। दोनों को ए पे और इसको दूसरे वाले को टू पे कर दिया। जैसे चेन क्या होती है कि एक तरफ से ऐसे मोटी रहती है, मोटे वाले हिस्से को इस तरफ रखना है। अच्छा, यूं। और जो आपकी सिलाई होगी वो बिल्कुल चेन के साथ साथ होती है, चेन के साथ हो जाएगी, क्योंकि इसके फुट में एक ही वो होता है ना, सिंगल पंजा है। इससे जो जिप दिखाई नहीं देती वो वाली जिप भी आराम से लग जाती है, क्योंकि सिलाई बिल्कुल पास आ जाएगी जिप के। ठीक है, तो इसमें फुट होता है, ये आपका बटन लगाने के लिए होता है और साटन के कपड़ों पे स्टिच करने के लिए होता है। अच्छा, ठीक है। जब हम बटन लगाएंगे तो हम इस प्लेट का यूज करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये तो एम्ब्रॉयडरी के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी है और बटन लगाने के लिए भी, दोनों के लिए। तो ये जो है इसमें फ्रंट वाला हिस्सा, यहाँ फ्रंट लिख रखा है, तो ये हिस्सा आगे आएगा। अच्छा, और ये जो है यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसको फुट की तरह ही सेट करना है, जैसे फुट नहीं, नहीं नहीं, इसमें जो है स्लॉट दे रखे हैं नीचे, ग्रू बने हुए हैं ये वाले, तो इसके अंदर ये जो है ये पिन आ जाती है। अच्छा अच्छा, इसमें फिट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, फुट तो ऊपर लगना ही है। हाँ, फुट ऊपर लगना, फुट तो लगना ही। अच्छा, नीचे ये प्लेट लगा दे। बिल्कुल, तो हम इससे जो है बटन लगाएंगे। अब बटन दे ये वाला, अब बोलो, बटन लगाने के लिए ये वाला फुट यूज होगा। जो है बटन को हम ऐसे रखेंगे, अगर फोर छेद वाला होगा, ये फोर इसमें जो छेद है तो इस वाला होगा, तो एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में छेद होगा। इसको यहाँ से उठा लेंगे और जो है ऐसे रखेंगे कि एक लेफ्ट साइड में छेद आए, एक राइट साइड में छेद आए। ठीक है, ठीक है। इसको हम जिग जैक है उस पर रखेंगे, लेंथ हमारी काम नहीं करेगी अब। अच्छा, क्योंकि हमने डार्निंग प्लेट लगा दी तो। हाँ, ठीक है। तो अभी यूं हाथ से इसको व्हील को घुमा के चेक करके देखेंगे कि दोनों जो है छेद में, होल में जा रहा है या नहीं जा रहा। अच्छा, नहीं तो सुई टूट जाएगी। टूट जाएगी, तो चेक करके ही इसको चलाना है। जैसे ये कम्प्लीट हो गया, अब इसको यहाँ से उठाएंगे और फिर इसके डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, बाकी दूसरे दो छेक जो है, ताकि उसमें हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। फिर चेक करेंगे एक बार कि दोनों में जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर इसको हम चला देंगे। ठीक है, ये बटन लग गया। कौन कौन से बटन? बस यही वाला बटन लग सकता होगा ना? ये सिर्फ छेद वाले बटन लगते हैं, छेद वाले बटन लगेंगे। ठीक है, चाहे दो हो या चार हो, छेद वाले ही बटन लगेंगे। अब इस प्लेट को इसमें हम, काज भी हो जाता है ना? हाँ, काज होता, काज है, भी हो जाता है। ठीक, काज के लिए भी अलग फुट लगता है मैम? काज के लिए अलग आता है। अच्छा, वो है नहीं इसमें? ये वाला फुट काज के लिए, काज है। हाँ, बटन होल के लिए। हाँ, बटन होल हो जाएगा इससे। तो बटन होल के लिए हम इसको यहाँ देखो, ये बॉक्स बने हुए हैं। अच्छा, क्योंकि बटन होल है वो ऐसे चौकोर में डिजाइन बनता है, तो ये यहाँ पे दे रखा है। इसके लेंथ हम यहाँ रखेंगे, इसमें भी बटन होल का निशान दे रखा है। अच्छा, तो हमें जितना भी काज बनाना होगा इस फुट को आगे की तरफ करके ही चलाना है। ऐसे आगे कैसे करा? ये आगे पीछे होता है, स्लाइड होता है। अच्छा, तो आगे होगा ऐसे कर दिया। अच्छा, तो इसके बाद जो है आपका ये हम स्टार्ट करेंगे इसको एक नंबर पे करके। तो एक नंबर पे जो है ये आगे की तरफ चलेगा ऐसे। जितना भी हमें काज चाहिए, जैसे हमें इतना बड़ा काज चाहिए तो हमने इसको रोक दिया। फिर हम इसको टू पे करेंगे। अच्छा, टू पे इसको लॉक कर देगा ये। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लॉक किया, फिर हम इसको थ्री पे करेंगे तो ये रिवर्स जाएगा। अच्छा,
दोनों साइड का होने के लिए। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वही हम रोक लेंगे, फिर हम इसको फिर से लॉक करेंगे, फिर से लॉक करेंगे। अभी लॉक होने के बाद में हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, फिर इसको बीच में से काट लेंगे। जी, हमने कट कर दिया। करेंगे हेमिंग के लिए। ये दूसरा फुट लगा है? नहीं नहीं नहीं, वही है, वही फुट है। हाँ, नॉर्मल फुट है अभी, ठीक है। लेकिन हेमिंग करेंगे तब जो ये पत्ती है इसको लगाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा नीचे, प्रेशर फुट को इसको नीचे रखेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा खोल देंगे। अच्छा, नट को ये खोल दिया, ये जो पिन है ये यहाँ लगा देंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अब इसको ये लगने के बाद में हम टाइट कर देंगे। अच्छा, ये हमने टाइट कर दिया। ठीक। अब इसको हम जब हेमिंग करेंगे तो हम इसको एफ पे रखेंगे। एफ पे, ठीक है। लेंथ हमारी 2 रहेगी। जैसे ही हम किसी कपड़े पे, तो इसमें जैसे ये एफ पे ये वाला है तो ये चलेगा मतलब? हाँ, डिजाइन ये वाला चलेगा। अच्छा, जैसे हम कपड़े को एक बार यू फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम ऐसे फोल्ड करते हैं। और जो हम नॉर्मली हाथ से हेमिंग करते हैं वो यहाँ पे करते हैं किनारे पे। इसमें इस कपड़े को आगे की तरफ रखना है, पीछे वाले को थोड़ा नीचे रखना है ऐसे। अच्छा, ये अंदर की तरफ होगा ये, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही फोल्ड होती है। तो इसको ऊपर रखेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे रखेंगे। यो हेमिंग मतलब तुरपाई, तुरपाई के लिए। अभी इसमें जो ये प्लेट दे रखी है ये ब्लैक वाली, ये ऊपर जो हमने प्लेट बनाई है ये वाली, इसके टच होके चलेगी। अच्छा, ठीक है। ऐसे टच किया, इसको एक बार चलाएंगे हाथ से घुमा के। इसमें हमारा क्या होता है कि जो नीचे ये एफ वाला डिजाइन जैसे यूज करते हैं, तो इसमें 5 बार नीचे चलता है और एक बार ऊपर की तरफ आएगा। जब ऊपर आएगा तो इस कपड़े को ये अटैच कर देगा एक बार आने के बाद। जैसे ही हम इसको उल्टा करते हैं तो ऐसे जो है हमारी हेमिंग हो जाएगी। ये बिल्कुल छोटे छोटे इसमें दिख भी नहीं रहे कहीं जगह, दिख भी नहीं रहे। तो ऐसे हमारी हेमिंग होगी। ये डबल उसकी है, ट्विन नीडल, ट्विन नीडल बोलते हैं, मतलब दो धागे एक साथ चल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये जो नीडल है इसमें दो धागे एक साथ चलेंगे और ये दोनों धागे इधर डल जाएंगे इनमें, ठीक है। और फिर दोनों ये डिजाइन जो है आपके डबल डबल चलेंगे। हाँ, ठीक। यहाँ से इसको खोलते हैं, इसमें जो सरफेस भाग होता है ये वाला, ये सरफेस भाग पीछे की तरफ जाता है। हाँ, नीडल चेंज करने के लिए बता रहे हैं। ऐसे ऊपर स्टॉपर है, ऊपर जाके रुक जाएगी, फिर इसको हम जो है टाइट कर दें, क्योंकि इसका धागा पीछे की तरफ जाता है। हाँ, इसलिए सुई ऐसे रखनी है जो सरफेस भाग है वो पीछे की तरफ जाएगा।